बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, जैसे कि मैंने ये सुबह दो वीडियो अपलोड किए थे, ठीक है, उसमें आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। वीडियो में लाइव बताया गया था कि किस प्रकार से आप अपनी इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा अपडेट आया है कि उन्होंने जो PDF अपलोड की गई थी, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले देख लिया होगा ये वीडियो को, तो उन्होंने जाकर MP सर्विस पर रिजल्ट चेक भी किया होगा, तो वहां पर PDF शो भी हो रहे थे, ठीक है। फिर कुछ देर बाद उसमें सर्वर डाउन होने लगा और जो पुराने जनसेवा मित्र थी उनकी PDF आने लगी, और कुछ समय बाद पूरा डाटा वहां से क्लियर कर दिया गया। और जैसे कि हमें आज पता चला है, अभी जस्ट हमें पता चला, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जनसेवा मित्र इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। जैसे आप जनसेवा मित्र के रिजल्ट चेक करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपकमिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये अपकमिंग का ऑप्शन कल हट जाएगा कल, ठीक है। जैसे कि हमको पता चला है, हमको जानकारी लगी कि ये इंटर मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना का कल रिजल्ट किसी भी हाल में आ जाएगा, कल नहीं तो परसों सुबह तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। 90% चांस है कि कल इसका इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा, और इसमें केवल एक ब्लॉक से 45 जनसेवा मित्रों को ही सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और मेरिट किस आधार पर बनेगी ये किसी को नहीं पता है कि मेरिट किस आधार पर बनेगी, कि आप परसेंटेज के आधार पर बनेगी या फिर क्वालिफिकेशन जिसकी ज्यादा उसके हिसाब से बनेगी या फिर किसी के पास एक्सपीरियंस उसके हिसाब से बनेगी, ठीक है। तो इसमें यही बात सामने निकल कर आ रहा है कि केवल एक ब्लॉक में जो 15 जनसेवा मित्रों की नियुक्ति होनी है उसमें इंटरव्यू के लिए टोटल 45 जनसेवा मित्रों को बुलाया जाएगा, और ये PDF कल तक यहाँ पर अपलोड की जाएगी, ठीक है। अपलोडिंग का काम चालू है, जैसे ही अपलोड होती है रात में 12 बजे 1 बजे कल सुबह कल शाम तक ये PDF यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और एक ब्लॉक से 45 युवाओं से ज्यादा को नहीं लिया जाएगा। वो मेरिट किस आधार पर बनी अगर हमें पता चलता है तो हम आपके साथ वीडियो जरूर साझा करेंगे, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक फैला दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए। और सभी आप कमेंट कर रहे हैं कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, फेक वीडियो बना रहे, तो फेक मैंने नहीं बताया है। आप वीडियो चालू करके देखिए पहले, ठीक है। वीडियो अगर आप चालू करके देखेंगे तो मैंने उसमें लाइव बताया कि कैसे आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया था, ठीक है। और कुछ ही देर वीडियो डालने के लगभग 1 घंटे बाद ही उसमें वहां से ऑप्शन पूरा अपकमिंग का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। जो भी डाटा वहां पर था वो सभी डिलीट कर दिया गया, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिनके 45 सबसे पहले फॉर्म भराए थे केवल उन्हीं लोगों के नाम थे, ठीक है, मेरिट नहीं बन पाई थी, तो इस वजह से डाटा डिलीट कर दिया गया है। डबल से अपलोडिंग का काम स्टार्ट है, जैसे अपलोड होता है यहाँ पर उन्हें पब्लिश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बस आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे यहाँ पर अपलोड होता है आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो इसीलिए यही मकसद था मेरा वीडियो बनाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।